ईद के बाद अब वैलेंटाइन्स डे पर सलमान ने दिया फैंस को ये प्यारा सा तोहफा। सलमान खान ने ईद के मौके पर तो अपने दर्शकों को तोहफा दे ही दिया है, भारत लेकर आ रहे हैं। अब वैलेंटाइन डे पर भी उन्होंने नया तोहफा दे दिया है। उन्होंने अपने ट्विटर पर अपने होम प्रोडक्शन की फिल्म नोटबुक का पहला पोस्टर जारी किया है। सलमान ने लिखा है कि बिना मिले कभी प्यार हो सकता है। इस फिल्म में प्रनूतन बहल और जहीर इकबाल हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में लॉन्च होने जा रहे हैं। फिल्म का निर्माण सलमान खान प्रोडक्शन कर रहे हैं तो नितिन ककर फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही हमने जानकारी दी थी कि सलमान की इस फिल्म की शूटिंग कश्मीर में हुई है। सलमान ने लिखा है कि बिना मिले कभी प्यार हो सकता है। इससे फिल्म की स्टोरी लाइन को लेकर एक बात समझ आ रही है कि फिल्म में बिना मिले ही प्यार वाली कहानी दिखाई गई है। हालांकि बिना मिले प्यार वाली कहानी पहले भी पर्दे पर दिखाई जाती रही है, जिनमें सिर्फ तुम जैसी फिल्में शामिल हैं। सलमान ने बहरहाल यह भी घोषणा की है कि फिल्म का ट्रेलर 17 फरवरी को दर्शकों के सामने आएगा। वहीं 29 मार्च को फिल्म रिलीज हो रही है। इस फिल्म से मोनिश बहल की बेटी प्रनूतन की हिंदी फिल्मों में शुरुआत है। फिल्मी दुनिया में कदम रखने से पहले डेब्यूटेंट अभिनेत्री प्रनूतन पेशे से एक वकील थीं, लेकिन वे हमेशा से एक अभिनेत्री बनने की आकांक्षा रखती थीं और अभिनय के प्रति उनके जुनून ने उन्हें वकालत छोड़ने के लिए प्रेरित किया और अभिनय की दुनिया में कदम रखा। परिवार के समर्थन के बावजूद प्रनूतन ने आसान रास्ता नहीं चुना। उन्होंने एक फोटो शूट करवाया और किसी भी अन्य संघर्षशील कलाकार की तरह बहुत सारे ऑडिशन दिए और अनगिनत ऑडिशन देने के बाद प्रनूतन को सलमान खान प्रोडक्शन द्वारा निर्मित नोटबुक के साथ अपना सपना पूरा करने का अवसर मिला। ऑडिशन की अवधि के दौरान बहुत से लोग यह नहीं जानते थे कि प्रनूतन फिल्मी पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखती हैं, क्योंकि वे आमतौर पर अपने उपनाम का उपयोग नहीं करती हैं। युवा अभिनेत्री धारा अपने उपनाम का उपयोग नहीं करने का निर्णय काफी बहादुरी भरा कदम था और जब टीम को इस बारे में पता चला तो हर कोई प्रनूतन के विनम्र व्यवहार से दंग रह गया था। प्रनूतन और जहीर इकबाल की हालिया आउटिंग और तस्वीरों ने उन्हें स्क्रीन पर देखने के लिए उत्साह बढ़ा दिया है।